फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज। आप देख रहे हैं किस ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में आपके सामने एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा। और मेरा जो क्वेश्चन है इस वीडियो में, वो दैट इज बेस्ड ऑन पोजिशन ऑफ लाइंस लाइन इंक्लाइन टू सिंगल प्लेन। वैसे मेरे सारे वीडियो ऑलमोस्ट एनडी भट्ट से रहेंगे। कुछ क्वेश्चन दूसरे बुक से हो सकते हैं या कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि जो आपकी तरफ से आए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। लाइक 100 mm लॉन्ग लाइन इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी। इट्स टू एंड्स आर 25 mm एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी रेस्पेक्टिवली। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शंस एंड फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद द वीपी। ठीक है, अ लाइन इज 100 mm लॉन्ग। ए 100 mm लॉन्ग लाइन इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी। ये 100 mm जो दिया हुआ है, दैट इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। दिस इज हाउ मच, दिस इज 100। और लाइन मान लो आपको क्या दिया है, एबी दिया है। एबी क्या आपका लाइन है, जिसमें आपको एक पॉइंट ए दिया होगा। आपको एक पॉइंट का लोकेशन ऑब्वियसली दिया होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो, पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी, आपका जो लाइन है वो कैसे बताओ, तो एचपी से 40 mm ऊपर में दिया है। लाइन क्या है, पैरेलल टू एंड 40 mm, पैरेलल टू 40 mm अबव द एचपी दिया होगा। अब क्या करना, ये आपका एक्स वाई रेफरेंस लाइन हो गया। ठीक है, यहां से आप 40 mm ऊपर से ले आओ। दिस इज माई पॉइंट ए डैश, दिस इज पॉइंट ए डैश। अगर ए डैश यहां पे, तो बी डैश कहां पे होगा, इसके पैरेलल ही होगा। बट है एग्जैक्टली कहां पे, आई डोंट नो, बिकॉज आपका जो लाइन है वो कैसे बताओ पैरेलल टू एचपी है, लेकिन इंक्लाइन टू वीपी है। वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, यहां पर देखो, इट्स टू एंड्स आर 25 mm एंड 50 mm इन फ्रंट ऑफ द वीपी। आपका वीपी मान लीजिए, आपका वीपी मान लीजिए, तो वीपी से एक एंड कैसा तो दिया है 25 mm आगे दिया है, लेकिन दूसरा को कैसे दिया 50 mm आगे दिया है, तो ऑब्वियसली क्या 13 हो जाएगा। तो आपको ये लाइन जो है आपको रिड्यूस दिखेगा, मतलब लाइन इंक्लाइन टू वीपी। तो उस केस में आपको पूछा भी है, फाइंड इट्स इंक्लिनेशन विद द वीपी, मतलब आपको क्वेश्चन में ये पाइक वैल्यू को निकालना भी है, आपको निकालना है। और सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू एचपी, तो आपका थीटा क्या होगा, आपका 0 degree होगा। ओके, आगे बढ़ते, तो आपको जो दिया हुआ पॉइंट, मान लो ये जो है ए डैश, आप कैसे बताओ 25 mm आगे दिया हुआ, क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया ना, एक 25 mm आगे दिया है, तो एक कैसे दिया आपको दिया है 50 mm आगे दिया है। तो हम लोग पढ़े थे वीपी वाले केस में, वीपी वाले केस में अगर इनफ्रंट होगा तो वो नीचे आएगा, और बिहाइंड होगा तो वो ऊपर आएगा। तो यहाँ पे देखो, आपका ये वाला पॉइंट कहाँ है, ऊपर में है, दिस इज अबव एचपी। बट ये वाला पॉइंट नीचे क्यों है, बिकॉज दिस इज इनफ्रंट ऑफ, दिस इज अबव एचपी एंड दिस इज इनफ्रंट ऑफ वीपी। इनफ्रंट ऑफ वीपी मतलब नीचे आएगा आपका ये, दिस इज ए। ठीक है, ओके, अब मुझे पता है सिंस माय लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी, तो ट्रू लेंथ क्या होगा आपका, वीपी होगा, जो आपका टॉप भी बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू योर ट्रू लेंथ। ठीक है, सो आई नो टू थिंग्स, दैट इज ए 25 mm नीचे आएगा, दिस इज 25 mm, दिस इज 40 mm, दिस लाइन इज पैरेलल टू एच एक्स वाई। ये 25 नीचे, तो दूसरा कैसा आएगा, 50 नीचे आएगा, और यहां से जो बी वाला पॉइंट होगा, दैट इज 100 mm लॉन्ग। तो यहां से क्या करना, एक 50 mm के नीचे में लाइन ड्रॉ कर लो, दिस इज 50 mm, दिस इज हाउ मच, दिस इज 50 mm। ठीक है, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं बी है कहां पे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक लोकस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज लोकस ऑफ बी। ठीक है, बिकॉज वी नो कि बी यहां पे कहीं भी हो सकता है, बट वो कैसा होगा, एक्स वाई से 50 mm नीचे होगा। और आपको एक और चीज पता है क्या, कि ए से बी का जो डिस्टेंस होता है हाउ मच, 100 mm। तो अब क्या करना, यहां से 100 mm का आर्क लेना, यहां पर उसको ऐसा कट करना, दिस पॉइंट इज बी। तो अगर आपका बी यहां पर है, तो बी डैश यहां पर होगा, इसके स्ट्रेट ऊपर आ जाओ, दिस पॉइंट इज, इसको मैं ब्लू से ड्रॉ कर दे रहा हूं, दिस पॉइंट इज बी डैश। तो यहां से यहां तक क्या मिलेगा, फ्रंट व्यू मिलेगा, इसके लेंथ को मेजर कर लेना, या फ्रंट व्यू का लेंथ को लिख लेना, टॉप व्यू कैसा होगा, टॉप व्यू भी इक्वल्स टू योर ट्रू लेंथ। तो यहां से इसको आप जोड़ लो, दिस इज टॉप व्यू, ये जब एंगल होगा, जब एंगल क्या होगा, वाई होगा, वाई को मेजर कर लेगा थ्रू प्रोजेक्टर, जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, फ्रंट व्यू का मेजर करके यहाँ पे उसको लिख लो। ठीक है, और अगर आप बोलोगे पेंसिल का यूज कैसे करना है, तो पेंसिल का यूज आपको कैसे बता दो, एक बार आपको क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ इस पोजिशन, पोजिशन का मतलब क्या होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू होता है।
तो जब पूछा गया क्वेश्चन में दैट शुड बी ऑफ एच बी पेंसिल एक्स्ट्रा डाल, एच बी रहेगा ये एच बी रहेगा, ठीक है। एक्स वाई रेफरेंस लाइन आपका है जो हमेशा कह रहा है टू एच पेंसिल का होगा, ठीक है। लिखने वाला काम आप टू एच पेंसिल का यूज कर सकते हो, लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑफ ए है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बी जो है दैट विल बी ऑफ फोर एच पेंसिल। तो इस वीडियो में बस इतना ही है, थैंक यू।